बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे बेहद खुशी होती है आपके साथ ये अच्छी खबर शेयर करते हुए कि पाकिस्तान में सूबाई सिंध में खैरपुर जिले के अंदर गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 200वां अपना कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह फखरिया कह सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी पाकिस्तानी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लिवर का इशू है, तो उसको माजी की तरह पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने पाकिस्तान में रहकर, अपने सिंध में रहकर कामयाबी के साथ अपना लिवर ट्रांसप्लांट करा सकता है। ये 200 कामयाब बेनिफिशरीज लिवर ट्रांसप्लांट के गंबट इंस्टीट्यूट के हैं। इनमें से 114 का ताल्लुक सूबाई सिंध से है, 49 का ताल्लुक पंजाब से, 32 का ताल्लुक बलूचिस्तान से, 3 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से और 1 का ताल्लुक आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद से है। ये शो करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बिला तफरीक इंसानी खिदमत करने पर बिलीव करती है। जो लोग हम पर सूबाइयत का, जो लोग हम पर तासुब का इल्जाम लगाते हैं, जरा वो आकर देख सकते हैं कि किस तरीके से गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जरिए सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इंसानियत की खिदमत कर रही है, क्वालिटी खिदमत कर रही है। और ये तमाम जो स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज है ये मुफ्त लोगों को मयसर है। इसके तमाम अखराजात सिंध गवर्नमेंट बेयर करती है, इदारा बेयर करता है। ये शो करता है कि बातें कौन करता है, काम कौन करता है। और एक और अच्छी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 200वां कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट था, इसका बेनिफिशरी का ताल्लुक भी सूबे पंजाब से था। तो खुदारा जो लोग तासुब का इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाते हैं, वो जरा खुद अपने किरदार को देखें, अपनी परफॉर्मेंस को देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान को तरजीह दी है, पाकिस्तान की खिदमत की, और इसी तरह इंशाल्लाह खिदमत करती रहेगी।